तो ये स्टोरी है लाहौर की, शाम का टाइम है, ये मैं हूँ, ये तलहा यूनस है, वो उसके साथ तलहा अंजुम है, ये मेरे दोनों सामने खड़े हैं, कोई कंसर्ट नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, ना हमारे आसपास कोई है, फिर भी मैं उनसे मिल नहीं पाया। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो तुम सारे के सारे। कंसिस्टेंट यूट्यूबर इज बैक। भाई साहब देखो, जितनी मेन चैनल को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ उतना ही काम मैं इस चैनल के ऊपर भी कर रहा हूँ, तो देख लो भाई, है ऐसा नहीं है कि ये कोई सेकंड चैनल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ इसको, या फिर एम ही ट्रीट कर रहा हूँ। मेहनत चल रही है भाई दोनों तरफ, और ये भी बात माननी पड़ेगी कि तुम दोनों तरफ प्यार भी दिखा रहे हो, तो भाई लव यू हो गया। तो ये है हमारी पहली स्टोरी टाइम वीडियो। तो जैसा कि मैंने तुम्हें इंट्रो में बताया, तो वो सारी चीजें बताने से पहले ना मैं तुम्हें थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। देख, मैं यंग रनर्स को फॉलो कब से कर रहा हूं। मैंने तलहा अंजुम का सबसे पहला गाना सुना था मुंतजिर, जब मेरे पास स्मार्टफोन भी नहीं होता था, बटन वाला फोन होता था, ठीक है, और वो उस क्वालिटी के अंदर मैंने मुंतजिर सुना था। मैंने कहा था यार क्या बात है, ये तो कुछ डिफरेंट है, जो नॉर्मल गाने होते हैं ना ये उससे कुछ डिफरेंट है यार, ये तो मतलब मज़े की चीज़ लग रही है, और क्या लाइंस हैं, क्या ज़बरदस्त राइटिंग है जिसकी भी है। मुझे नहीं पता था कि भाई ये हैं कौन, क्योंकि वो आपके पास पता नहीं कहाँ से डाउनलोड अपलोड हो के फाइल आती है, ठीक है, उस फ़ोन के अंदर तो नाम ही शाम होते ही नहीं है आर्टिस्ट के, क्या है क्या कुछ नहीं है। तो खैर ऐसी वक्त गुजरता रहा, फिर मैंने बर्गर ए कराची सुना, कराची लिंगो, मैला मजनू, ये उस सारे गाने। फिर जैसे जैसे काफ़ी सालों के बाद पता चला कि भाई ये एक ग्रुप है यंगस्टर्स, दो लोगों का, तलहा अंजुम तलहा यूनस, दोनों ही बड़े टैलेंटेड हैं। तो इन्होंने यंगस्टर्स के चैनल पे गाने अपलोड किए हुए थे, और इन्होंने अपने अपने भी जब चैनल्स दिए हुए थे ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं किस वक्त की बात कर रहा हूँ। तलहा अंजुम के मैं चैनल पे गया, यंगस्टर्स वाले पे नहीं, तलहा अंजुम वाले पे, उस पे मुंतजिर अपलोडेड था, और उस पे मैं कहता हूँ 5,000 व्यूज़ भी नहीं थे, और आज अगर तुम खोल के देखो मुंतजिर पे 5 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं उसके ऊपर। तो भाई मैं तब से जर्नी फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, और आपको कोई आर्टिस्ट पसंद है, उसका काम पसंद है, और आप उनको अपनी आंखों के सामने ग्रोथ हुआ देखते हो ना, तो वो जो एक खुशी होती है ना भाई, वो एक ऐसी खुशी होती है कि जैसे आप कामयाब हो गए हो, एक ऐसा आपका कनेक्शन हो जाता है उनके साथ। बेशक उनको पता हो ना हो कि भाई मैं कोई एग्जिस्ट भी करता हूँ, लेकिन जो आपकी एक होती है सपोर्ट और एक प्यार, वो एक नेक्स्ट ही लेवल होता है, क्योंकि आप देखते हो कि भाई वो लोग आपकी आंखों के सामने ग्रो हुए हैं। तो मैं इसी वजह से उनका एक हमेशा से फ़ैन रहा हूं, और अब तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में उनकी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है जिसकी हद नहीं। तो भाई मेरी तो खुशी नेक्स्ट लेवल होती है ये सब कुछ देख के, कि मैं जो मतलब मैं ऐसे आर्टिस्ट को देखा हूँ, उन्होंने अपने टैलेंट की बेस पे क्या कुछ अचीव नहीं कर लिया। तो अब हम आते हैं इस स्टोरी के ऊपर कि ये कैसे हुआ कि भाई कोई इवेंट नहीं, कुछ नहीं, ये मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने दोनों खड़े हैं, ये हुआ कैसे। तो ये बात मैं कर रहा हूँ जब आई गेस 2019-20 में ना कहीं पे, जब चैनके वाली बीफ चल रही थी ना, ये बात है तब की, और गुमान से पहले की बात है, गुमान जब ड्रॉप नहीं हुआ था, लेकिन गुमान से पहले भी दोनों अच्छे खासे फेमस थे, ठीक है, वो असली है गाना आ चुका था, वो ट्रेंडिंग में गया था, तो अच्छा खासा नाम था उस टाइम पे भी, ठीक है। गुमान पे तो आके एक वो वाली ऑडियंस भी मिल गई ना साथ, जो रैप नहीं भी सुनती थी। गुमान से पहले की बात है, लेकिन चैनके वाले बीफ की बात है, एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ तुम्हें। मैं उस टाइम पे ना रहता था गुलबर्ग में, ठीक है, और मैं बाइक पे निकला हूँगा घर से, पता नहीं मैंने कहाँ जाना था, लेकिन फ़िलहाल मैं जा रहा था पेट्रोल डलवाने, घर के पास बिल्कुल पेट्रोल पंप पे ना मैं निकला हूँ, ऐसे अपने ही उसमें जा रहा हूँ, इधर उधर देखता हुआ अचानक से ना मैं एक बंदे के अंदर ठुकने लगता हूँ, और वो कोई पैदल जा रहा है, उसके अंदर बाइक लगने लगा, तो मैं ऐसे मुड़ के देखता है ना, तो मैं देख रहा हूँ एक लंबा सारा लड़का है, एक साथ और लड़का है, और क्योंकि बाइक अंदर लगने लगा था तो वो बंदा ऐसे मुड़ के देखता है, और मैं ऐसे देखता हूँ उसकी तरफ, और हम ऐसे देखते हैं, और वो बंदा चला जाता है, क्योंकि बाइक लगा नहीं था, लगने लगा था, वो चले जाते हैं ऐसे साइड पे हो गए। मैं वहाँ पे खड़ा होता हूँ, 5 सेकंड बाद मुझे रियलाइज़ होता है यार ये तो तलहा यूनस था। कोई साथ बंदा नहीं, कोई कुछ नहीं, दोनों ऐसे जा रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ यार ये तलहा यूनस है, ये तलहा अंजुम है साथ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अच्छा मैं ना वहाँ पे ऐसे हो गया कि भाई नहीं ये नहीं हो सकता, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, पैदल गुजर रहे थे और मैं बाइक पे था, तो मैं गया पेट्रोल पंप पे, मैंने कहा ऐसा करता हूँ पहले पेट्रोल डलवा लेता हूँ और देख कंफर्म कर लेता हूँ कि वो हैं भी सही है नहीं। देख तो मैंने लिया, मुझे भी पता था कि वो यंगस्टर्स ही हैं, लेकिन वो बिलीव नहीं हो पा रहा था ना मुझे, तो मैं गया पेट्रोल डलवा रहा हूँ, और वो दोबारा ऐसे मेरे साथ से गुजरे और आगे गुजर गए, मैं देख रहा हूँ यार जल्दी पेट्रोल डाल, मुझे सेल्फी लेनी है उनके सामने, मिलना है उनसे, उस पेट्रोल डाल रहा है, फिर वो पता नहीं बकाया लेने चला गया। उतनी देर में वो पेट्रोल पंप से लेफ्ट मुड़ गए, मैंने जल्दी से पैसे लिए, मैं गया लेफ्ट गली में, गायब भाई, गली सुनसान है, कुछ है ही नहीं, एक लाइट भी नहीं चल रही, मुझे समझ ही नहीं आई गए कहाँ। मैं गया हूँ गली में आगे, कुछ नहीं है, वापिस आया हूँ, कोई गली मुड़ रही है तो उधर जाके देखूँ, गली कहीं से मुड़ भी नहीं रही, भाई दोनों गायब। तो मैंने वेट किया, लेकिन
कोई नामो निशान नजर नहीं आया। मैंने कहा यार क्यों क्यों मैं पहले नहीं मिला उनसे, मैं उधर ही उतर के मिल लेता तो यार क्या ही बात हो जाती। तो इस तरीके से मैंने चांस मिस कर दिया यंग। हो सकता है कभी ऐसे जिंदगी में कंसर्ट पे मुलाकात हो जाए, लेकिन कंसर्ट पे आप वैसे मिल ही नहीं सकते जैसे मैं यहाँ पे मिल सकता था। भाई दो जाने रोड पे जा रहे हैं, कोई आसपास नहीं है, कुछ नहीं है, उतर के सुकून से मैं मिल सकता था उनसे, लेकिन मैं नहीं मिला। और अभी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। फिर उसके बाद मुझे एक दफ़ा मौका और मिला, मुझे पबजी मोबाइल वालों ने बुलाया एक इवेंट पे लाहौर में। मैं उस टाइम पे था इस्लामाबाद में, मेरे एग्जाम्स भी थे आई गेस। तो मुझे उन्होंने कहा कि ऐसे इवेंट है, आपने आना है तो आप हमें अभी बता दें, ठीक है, ताकि हम अरेंजमेंट कर लें। मैंने उन्होंने कहा कि आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं आ सकता, मेरा एग्ज़ाम है और ये वो सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, वो सारा कुछ। तो मैंने इवेंट छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद मिस्टर जे प्लेस का उसी इवेंट का व्लॉग आता है और वहाँ पे यंग स्टारर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। मैं कहा यार ये क्यों 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 मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देता हूँ भाई। अब वहाँ पे मैं एज अ यूट्यूबर जाता तो काफ़ी चांसेस थे कि मैं इजिली मिल सकता था उनसे, लेकिन मैं इवेंट में गया ही नहीं। फिर मैंने कहा यार क्यों मैं नहीं गया, क्यों मैं नहीं गया यार। तो इस तरीके से मैंने दो अच्छे चांसेस गवा दिए यंगस्टर से मिलने के। सिर्फ यंगस्टर से मिलने के मैंने चांसेस नहीं गवाए, मैंने और बड़े लोगों से मिलने के चांसेस गवाए। मुझे एक दफ़ा याद है मुझे राहिम परदेसी ने बुलाया उधर ना, जब बुल्ला रिलीज़ हो रही थी ना उनकी वेब सीरीज, तो उस टाइम भी मैं लाहौर में था ही नहीं। उन्होंने कहा कि कौन सा सिनेमा है वहाँ पर ना, उसका ट्रेलर वेलर वो सारा कुछ होगा। तो मैंने कहा चले ठीक है, ज़रूर ज़रूर। और उस टाइम पर ना मैं फिर गया ही नहीं। तो कुछ दिनों बाद व्लॉग देखा, पता चला उधर बिलाल सईद आया। मैंने कहा यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है यार, जैसे बचपन में नहीं होता था रोज स्कूल जाओ 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 कुछ होता ही नहीं है। जिस दिन आप एक दिन स्कूल ना जाओ, पता चलता है भाई स्कूल में इतनी लड़ाइयाँ हुई, फलाने बच्चे की लड़ाई, फलाने टीचर की लड़ाई, स्कूल में अचानक से इतना कुछ हो जाता है, WWE शुरू हो जाती है और रोज़ आप जाते रहो कुछ होता नहीं है। तो मेरे साथ वही होता है, जिस इवेंट पर चला जाऊँ कुछ होता ही नहीं है, बैठे देखते रहो। और जिस जो एक इवेंट साल में मिस कर दूँ उसके अंदर यंग सनर्स आ जाते हैं, पता नहीं ट्रेविस स्कॉट आ जाता है, ड्रेक आगे चला जाता है, पता नहीं यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है। तो ये थी हमारी पहली स्टोरी टाइम। इस तरह की मेरे पास और बहुत स्टोरीज हैं, अगर तुम सुनना चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, लव यू।